हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द केमिस्ट्री क्लास। मेरा नाम है जयदया और आज हम बात करने वाले हैं परसेंटेज ऑफ कीटो इन ऑल कंटेंट के बारे में कि हम डाटा मैरिज में ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि कीटो का परसेंटेज ज्यादा होगा या फिर इनोल का परसेंटेज ज्यादा होगा। किस कंडीशन के अंदर या किस केस के अंदर इनोल का परसेंटेज ज्यादा होता है, कीटो का परसेंटेज कम होता है, उन सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ स्पेशल केस के बारे में भी स्टडी करेंगे। ओके, तो इस पूरे वीडियो को देखें, कंप्लीट देखें, इसको स्किप ना करें। एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास में जो बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप आने वाले वीडियो का अपडेट मिस ना करें। स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। ओके, सो इस लेक्चर में हम बात करेंगे परसेंटेज ऑफ इनोल एंड कीटो कंटेंट। ठीक है, तो देखो जनरली क्या होता है, जनरली किसी भी टोटोमेरिज्म के अंदर कीटो इनोल टोटोमेरिज्म हो रहा है तो जनरली क्या होता है, जनरली होता है कि कीटो का परसेंटेज इनोल के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है। ये जनरली देखा जाता है कि कीटो का परसेंटेज क्या होता है, इनोल के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है, क्योंकि कीटो मोर स्टेबल होता है इनोल से। ठीक है, जिस कारण से कीटो का परसेंटेज ज्यादा होता है। बट कुछ केस होते हैं जिसमें इनोल का परसेंटेज क्या होता है, कीटो के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है, वो केस हम देखने वाले हैं। क्योंकि जनरली तो क्या होता है, कुछ भाई आपको वो केस याद रखने हैं जिसमें इनोल का परसेंटेज ज्यादा होता है, बाकी जितने भी केस आप देखोगे उसमें कीटो का परसेंटेज ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो उसको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। सो पहला जो केस आता है, इंट्रामोलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। जब इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग होती है तब क्या होता है, इनोल का परसेंटेज ज्यादा हो जाता है और कीटो का परसेंटेज कम हो जाता है। एग्जाम्पल लेकर भी समझते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल हमारे पास में है ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो इसका ये कीटो फॉर्म है और इस कीटो फॉर्म को इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे। तो देखो अगर हम बात करें इनोल फॉर्म में कन्वर्ट करने की, तो आपको क्या करना होता है, एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करना होता है। एसिडिक हाइड्रोजन रिमूव करके उसको ऑक्सीजन पर अटैक करवाना होता है जिससे OH बनता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये जो हाइड्रोजन है, यहां से जो हाइड्रोजन होगा ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा। ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन क्यों होगा, क्योंकि देखो जब हम यहां से हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे, जब हम यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो यहां पे कंजुगेशन बनेगा। ठीक है, नेगेटिव का डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन इधर भी हो रहा है और नेगेटिव का डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन इधर भी हो रहा है, यानी यहाँ पे डबल रेजोनेंस है। यानी इस साइड भी रेजोनेंस आएगा और इस साइड भी रेजोनेंस आएगा, यानी यहाँ से जो अगर हम हाइड्रोजन निकालेंगे वो क्या करेगा, ज्यादा रेजोनेंस करेगा, यानी स्टेबिलिटी ज्यादा बनेगा। इसका मतलब जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, जल्दी रिलीज होगा। इसका मतलब जो भी हाइड्रोजन जल्दी रिलीज होता है उसको हम क्या बोलते हैं, मोर एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा वो क्या होगा, मोर एसिडिक हाइड्रोजन होगा। क्लियर, तो देखो जब हम यहां से हाइड्रोजन निकालेंगे ये हाइड्रोजन अटैक करेगा इस ऑक्सीजन पर। आप दोनों तरफ में से किसी भी में करवा सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ रेजोनेंस हो रहा है, दोनों तरफ सेम रेजोनेंस हो रहा है। ठीक है, आप इधर भी करवा सकते हो अटैक हाइड्रोजन का, आप इधर भी करवा सकते हो, हम इधर करवाते हैं। तो देखो क्या बनेगा, CH3, फिर आएगा यहाँ पे OH, फिर ये आपका डबल बॉन्ड, फिर ये CH, फिर ये C डबल बॉन्ड OCH3, ये इसका आएगा इनोल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इनोल का परसेंटेज 76% होता है और यहाँ पे कीटो का परसेंटेज 24% होता है। ऐसा क्यों होता है, इनोल का परसेंटेज ज्यादा क्यों आता है, इसका मेन रीजन ये होता है कि यहाँ पे क्या होता है, इस OH और ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है, यानी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे एक रिंग का फॉर्मेशन होता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यहाँ पे स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो होगा वो स्टेबिलिटी की तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेबिलिटी बढ़ी तो जो इक्विलिब्रियम था वो पूरा का पूरा इनोल की तरफ शिफ्ट हो गया, यानी ज्यादा इनोल बनने लगा, यानी परसेंटेज किसकी ज्यादा आ गई, इनोल की परसेंटेज ज्यादा आ गई। लेकिन इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं डाइल्यूट OH- के साथ, ठीक है, ध्यान देने की बात क्या है, ध्यान देने की बात यह है कि हमेशा हमारे पास में क्या होना चाहिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। अगर आपके पास में नॉन पोलर सॉल्वेंट है या फिर गैसीय सॉल्वेंट है, क्या है, गैसीय सॉल्वेंट है, नॉन पोलर सॉल्वेंट और गैसीय सॉल्वेंट में ही इनोल का परसेंटेज कितना आता है, 76% आता है, क्योंकि नॉन पोलर सॉल्वेंट और गैसीय सॉल्यूशन में ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंट्रामोलिकुलर होती है। ठीक है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। लेकिन जब हम क्या करते हैं, पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं, ठीक है, पोलर सॉल्वेंट ले लेते हैं या फिर हम ले लेते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, अगर हम पोलर सॉल्वेंट लेते हैं तो पोलर सॉल्वेंट में इनोल का परसेंटेज कीटो से ज्यादा नहीं आता, ये सिर्फ और सिर्फ 76% या फिर इससे ज्यादा इनोल परसेंटेज ज्यादा तभी आएगा
जब हमारे पास में नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा, ये बात जरूर ध्यान रखें। अगर पोलर सॉल्वेंट है जैसे फॉर एग्जांपल H2O है, अगर हमारे पास में अगर H2O है, यहाँ पे H2O ले रखा है, तो H2O ले रखा है, तब 76% की जगह यहाँ पर आता है परसेंटेज 16%। 16% क्यों आता है? क्योंकि जो H2O होता है ये खुद से क्या कर लेता है, इस OH ग्रुप के साथ में क्या कर लेता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। ठीक है, ये खुद से यहाँ से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, जिसके कारण ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी ये वीक हो जाएगी, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वीक होने के कारण रिंग का फॉर्मेशन कम होगा, स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण ये वापस इनोल जो होगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कीटो की स्टेबिलिटी फिर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वापस से इनोल ज्यादा से ज्यादा किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, कीटो में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जिसके कारण इसकी परसेंटेज ज्यादा हो जाएगी, और इनोल की परसेंटेज कितनी रह जाती है, 16% रह जाती है। ये आप ध्यान रखें, स्पेशल की से बहुत बार मिस्टेक्स होती है। ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल लेकर आपको बताते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं, सेम एग्जाम्पल है, आपको ये बताना है कि इसमें किसका परसेंटेज ज्यादा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका इनोल इनोल फॉर्म बनाना है, दिस इज कीटो फॉर्म। और इनोल फॉर्म बनाओगे तो क्या करोगे, अब देखो, अब मेन दिक्कत क्या है कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है। ठीक है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है, यहां से आप एच प्लस निकालोगे तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज सिर्फ यहां पर कंजुगेशन में है, यहां पर क्या हो रहा है, क्रॉस कंजुगेशन होता है, और यहां पर क्या हो रहा है, क्रॉस कंजुगेशन। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है, फ्री कंजुगेशन, या फिर हम बोल सकते हैं फ्री रेजोनेंस। ठीक है, यहां पर क्रॉस रेजोनेंस है या फिर क्रॉस कंजुगेशन है, यहां पर फ्री रेजोनेंस है, तो सिर्फ और सिर्फ रेजोनेंस इधर होगा, इस साइड ही होगा, इस साइड कोई रेजोनेंस नहीं होगा, क्योंकि क्रॉस हो जाएगा, एक दूसरे क्रॉस कर जाएंगे, जिससे रेजोनेंस नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन होगा वो इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इतना एसिडिक नहीं होगा। ठीक है, ये जो हाइड्रोजन होगा, यहाँ का जो हाइड्रोजन होगा वो इस हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में इतना एसिडिक नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ इसमें एक साइड ही रेजोनेंस हो रहा है, तो इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा होगी इसकी। ठीक है, तो ये इस साइड रेजोनेंस नहीं करेगा। तो अब देखो कैसा बनेगा इसका, इसका बनेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे आएगा OH, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये CH, फिर ये डबल बॉन्ड, फिर ये आ जाएगा OC2H4। ठीक है, ये इनोल परसेंटेज आता है 5 to 9%। अब ये 5 to 9% क्या होता है, ये 5 to 9% इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे क्रॉस कंजुगेशन हो जाता है, क्रॉस कंजुगेशन के कारण यहाँ पर कोई भी रेजोनेंस नहीं हो पाता, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे, और ये सिर्फ एक साइड ही रेजोनेंस कर पाता है, और जिसके कारण ये जो हाइड्रोजन है ये मोर एसिडिक रहता है, ये लेस एसिडिक हाइड्रोजन है। तो इसको हम लिखेंगे लेस एसिडिक हाइड्रोजन। ठीक है, ये लेस एसिडिक हाइड्रोजन है, जिसके कारण इसका परसेंटेज जो होता है वो 5 to 9% हो जाता है, क्योंकि स्टेबिलिटी इसके बेसिस में कम हो जाती है। तो वापस से इनोल फॉर्म जो होता है वो किसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस केस में आप जरूर ध्यान रखें, आपको देखना पड़ेगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ठीक है, और दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो कॉन्जुगेशन है स्टेबिलिटी के बेसिस पर, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को नोट करो, फिर और एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं कि किसमें परसेंटेज ऑफ इनोल ज्यादा होगा किसमें। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा, तो स्टार्ट करते हैं नया एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, सो एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उसमें आपको देखना है कि किस तरीके से परसेंटेज ऑफ इनोल कंटेंट चेंज होता है। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है और आपसे पूछा जाता है ये डाइल्यूट OH माइनस है, और यहाँ पे जो इसका इनोल बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो कुछ यहाँ से OH आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये आ जाएगा O। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें भी वापस से क्या होगा, इंटरा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनोल फॉर्म होता है ये इसकी परसेंटेज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कितनी होती है, 100% होती है। ये मोर स्टेबल कंपाउंड होता है, ये लेस स्टेबल कंपाउंड होता है। ठीक है, तो ये कीटो फॉर्म जो होता है वो लेस स्टेबल होता है, जिसके कारण इनोल का परसेंटेज क्या होता है, लगभग लगभग कुछ हर केसेस में ये लगभग लगभग इस केस में 100% पहुंच जाता है, 99.98 इस टाइप से होता है, बट हम इसको कितना लेते हैं, 100% ही लेते हैं। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल ये हो सकता है। अब हम बात करें, ये तो क्लोज चेन थी, इसी केस को अगर हम ओपन चेन में ले लेते हैं तो ये कुछ इस तरीके से रहेगा। क्लियर, तो अगर आपके पास में ये, तो इसका देखो, अगर आपको इसका इनोल बनाना हो तो इनोल कंटेंट कैसे बनेगा, इसका इनोल बनेगा कुछ इस तरीके से, CH3C, फिर ये आ जाएगा आपका OH, फिर ये आएगा आपका C, फिर ये आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड O, फिर ये आपका आएगा CH3, यहां से आप लगा दो CH2, फिर आपका आ जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक है,
तो ये इस तरीके से आएगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें होगा क्या, इसमें कीटो का परसेंटेज ज्यादा होता है इनोल, ठीक है, इसमें कीटो का परसेंटेज इनोल के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि ये जो कंपाउंड होता है, ये कंपाउंड इस फॉर्म में कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता, ये कंपाउंड इस फॉर्म में आपको कभी भी मिलेगा नहीं। इसमें क्या होता है, ये एग्जिस्ट करता है इस फॉर्म में, इस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन जो होते हैं, ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन का क्या लगता है, रिपल्शन लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये जो ग्रुप होता है, ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या होता है, फ्लिप कर जाता है, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में आपको पता है फ्री रोटेशन होता है, जिसके कारण ये रोटेट कर जाता है और ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो भाई इस ऊपर वाले कंपाउंड के अंदर ऐसा फ्री रोटेशन क्यों नहीं हुआ? यहाँ पर भी तो ऑक्सीजन का रिपल्शन लग रहा था, इसको भी तो मिनिमाइज करना चाहिए था रिपल्शन को। बट क्या होता है कि जो रिंग सिस्टम होता है, रिंग सिस्टम या फिर डबल बॉन्ड सिस्टम होता है, उसमें मैंने आपको स्टीरियो केमिस्ट्री में अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जब रिंग सिस्टम होती है तो रिंग में क्या होता है, रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, रिंग रोटेट नहीं कर पाती है, जबकि सिंगल बॉन्ड जो होता है, सिग्मा बॉन्ड जो होता है, वो फ्री रोटेशन करवा सकता है, उसमें ये कैपेबिलिटी होती है, रिंग में ये कैपेबिलिटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये रिंग रोटेट नहीं कर पाती, ये रोटेट कर सकता है, जिसके कारण ये रोटेट हो जाता है, तो मिनिमाइज हो जाता है रिपल्शन, जिसके कारण से ये इस फॉर्म में क्या कर सकता है, एग्जिस्ट करता है, जिसके कारण से कीटो फॉर्म जो होता है वो इनोल के रेस्पेक्ट में ज्यादा होता है, ठीक है। तो आप इस केस को स्पेशल लिखोगे और आप याद करो, ठीक है, ज्यादा भी लंबा नहीं है। देन उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं एरोमेटिक कैरेक्टर के बारे में, ठीक है, आप लोग नोट करें इसको, ठीक है। एरोमेटिक इनोल के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाते हैं तो भी उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, और उसका परसेंटेज जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। एरोमेटिक कैरेक्टर इन इनोल, ठीक है, इनोल में अगर एरोमेटिक कैरेक्टर आ जाते हैं तो कैसा होता है, देखो एग्जाम्पल आपके पास में है, ये इस तरीके से यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये कीटो फॉर्म है, इस कीटो फॉर्म का अगर आप डाइल्यूट ओएच के साथ रिएक्शन करवाओगे, यानी डाइल्यूट बेस ले रखा है बेसिकली, ठीक है, दिस इज कीटो फॉर्म, इसका इनोल फॉर्म कैसे बनेगा, इसका इनोल फॉर्म ऐसे बनेगा, ये इसका इनोल फॉर्म आ गया, ठीक है। तो दिस इज फिनोल, ये फिनोल है, फिनोल क्या होता है, फिनोल होता है एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो फिनोल में एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है, तो एरोमेटिक कंपाउंड के कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण इनोल जो परसेंटेज आता है वो लगभग कितना आता है, 99.9%, ऑलमोस्ट 100% आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं, जिसके कारण इनोल का परसेंटेज ज्यादा होता है, जो इक्विलिब्रियम होता है वो स्टेबल की कंडीशन के अंदर क्या हो जाता है, स्टेबल की जिस साइड स्टेबिलिटी होती है उस साइड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हो, जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था, आपको अगर याद होगा, तो ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड का आपको पहले तो क्या बनाना है, इनोल फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो इसका इनोल फॉर्म कैसे बनेगा, आप देखो इसमें बहुत से लोग कहेंगे सर इसमें अल्फा हाइड्रोजन तो है ही नहीं ना, तो देखो यहाँ से आप हाइड्रोजन को रिमूव करोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन हटा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव डबल सिंगल डबल कंजुगेशन पूरा का पूरा है, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, इस तरीके से आप इस तरीके से ऐसे बोल सकते हो, यहाँ पे फिनोल बनेगा, ठीक है, सेम इस तरीके से फिनोल बनेगा, और इसका भी इनोल परसेंटेज कितना होगा, 99.99% होगा, ठीक है। तो जब भी इनोल के अंदर एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट हो जाते हैं, एरोमेटिसिटी आ जाती है, तब उसका इनोल परसेंटेज ज्यादा हो जाता है, तो आपको ये भी चेक करना होता है कि क्या उसमें एरोमेटिक परसेंटेज, एरोमेटिक कैरेक्टर जनरेट हो रहे हैं, एरोमेटिसिटी आ रही है, तो इनोल का परसेंटेज ज्यादा होगा कीटो के रेस्पेक्ट में, और या फिर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अगर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इनोल में बन रही है, इसका मतलब इनोल का परसेंटेज ज्यादा होगा, ठीक है। तो ये दो केसेस होते हैं जिसके जिसके अंदर इनोल का परसेंटेज ज्यादा होता है, इनके अलावा जितने भी केस होते हैं उसमें कीटो का जो कैरेक्टर परसेंटेज होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, ओके। तो ये पूरा का पूरा परसेंटेज कैरेक्टर है, परसेंटेज कंटेंट निकालना है। इसके बाद में हम बात करते हैं डायड एंड ट्राइड सिस्टम के बारे में, आप इनको नोट करें, ओके स्टूडेंट्स। अब हम बात करते हैं डायड एंड ट्राइड सिस्टम के बारे में, घड़ी डाले, डायड एंड ट्राइड सिस्टम, देखो डायड एंड ट्राइड सिस्टम क्या होता है, डायड का मतलब होता है कि जब एटम जो होता है वो, जब जो केटाइन होता है या फिर जो हाइड्रोजन होता है वो दो एटम पर क्या करता है, मूव करता है, ठीक है, दो एटम के बाद मूव करता है, तो सेकेंड नंबर एटम पर मूव करता है तो उसको हम बोलते हैं डायड सिस्टम, और थर्ड नंबर एटम पर मूव करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ट्रायड सिस्टम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ये आपके पास में है कीटो फॉर्म, और इसका इनोल फॉर्म कुछ इस तरीके से बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड COH और ये CH3। अब देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, अगर मैं यहाँ से एक हाइड्रोजन को देख दिखाऊँ आपको, ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन का मूवमेंट जो है वो कितने कार्बन तक हुआ है, कितने एटम तक हुआ है, तो 1, 2 एंड 3, यानी 1 पे था और ये सीधा के सीधा कहाँ पर पहुंच जाता है, 3 नंबर एटम पर पहुंच जाता है। तो इस सिस्टम को हम बोलेंगे ट्राइड सिस्टम, बहुत ही सिंपल है। और अगर सेकेंड नंबर एटम पर होता तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायड सिस्टम बोलते हैं। एक स्टेटमेंट आता है बहुत बार क्वेश्चन में पूछा है, एग्जाम में पूछा जाता है कि एवरी कीटो इन ऑल टॉटोमेरिज्म आर ट्राइड सिस्टम, ठीक है, स्टेटमेंट क्या है, एवरी कीटो इन ऑल टॉटोमेरिज्म आर ट्राइड सिस्टम। और आपसे पूछा जाता है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स, ठीक है, ये ट्रू है या फिर फॉल्स सर, ठीक है। तो क्या हर एक जो कीटो इनोल सिस्टम होता है वो ट्राइड सिस्टम होता है या फिर डायड सिस्टम भी हो सकता है या इसके अलावा दूसरा सिस्टम भी हो सकता है? तो चेक करते हैं एक और एग्जांपल लेकर के, एक और एग्जांपल जो कि हमने अभी भी किया है, ये जो सिस्टम, इस सिस्टम में जो इनोल कंटेंट बनेगा, इनोल फॉर्म जो बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो देखो इसमें यहां से हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस होगा, यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा और ये हाइड्रोजन उठ करके कितने नंबर एटम पर जाएगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, यानी ये 5 नंबर एटम पर अटैच होगा। इसको हम बोलते हैं पैरा टोटोमेरिज्म, इसको हम क्या बोलते हैं, पैरा टोटोमेरिज्म बोलते हैं या फिर हम इसको बोलते हैं स्पीस टोटोमेरिज्म, ठीक है। पैरा टोटोमेरिज्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये पैरा से बना, ठीक है। स्पेस टोटोमेरिज्म भी बोलते हैं या फिर इसको पेंटायड सिस्टम भी बोलते हैं। जैसे ट्राइड सिस्टम होता है जब जब एटम, जब हाइड्रोजन 3 नंबर एटम पर क्या करता है, अटैच होता है, ठीक है, उसका मूवमेंट 3 नंबर एटम तक होता है। पेंटायड सिस्टम जब बोलते हैं जब हाइड्रोजन का मूवमेंट 1 से लेकर के 5 एटम तक होता है, ठीक है, तो इसको हम पेंटायड सिस्टम भी बोलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि एवरी कीटो इनोल सिस्टम ट्राइड सिस्टम ही होता है, वो पेंटाइड सिस्टम भी हो सकता है, वो डायड सिस्टम भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट होता है ये फॉल्स स्टेटमेंट होता है, तो जब भी स्टेटमेंट आए आपको हमेशा गलत बताना है कि ये स्टेटमेंट गलत होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पेंटाइड सिस्टम या फिर पैरा टोटोमेरिज्म या फिर स्पेस टोटोमेरिज्म। एक और एग्जाम्पल जो कि डायड सिस्टम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये होता है साइनाइड और ये होता है आइसोसाइनाइड, ठीक है, दिस इज साइनाइड एंड दिस इज आइसोसाइनाइड। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड जो होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, टोटोमर्स होते हैं, ना कि फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ठीक है, ये एक दूसरे के टोटोमर्स होते हैं। और इनमें क्या होता है, इनमें हाइड्रोजन का मूवमेंट जो होता है वो 2 एटम पर होता है, इसको हम बोलते हैं डायड सिस्टम। तो बहुत ही सिंपल है, आपको पहचानना है, अगर आपसे पूछा जाता है कि डायड सिस्टम है या फिर ट्राइड सिस्टम है या फिर पेंटाइड सिस्टम है, तो आपको क्या चेक करना है, हाइड्रोजन का मूवमेंट चेक करना है, वो कितने एटम तक हो रहा है, वो सिस्टम उसका होता है, ठीक है। और हर कीटो इनोल टोटोमेरिज्म ट्राइड सिस्टम हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा ट्राइड सिस्टम है। देन उसके बाद में हम बात करते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड के बारे में। पहले आप उसको नोट कीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे कि ड्यूटेरियम एक्सचेंज मेथड क्या होता है और कैसे इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है, ओके।